हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये शाम की चाय का वक्त है। हम शाम की चाय पीकर अब लगेंगे डिनर की तैयारी में, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ आज का इवनिंग टी टू डिनर का रूटीन मेरा। मैंने ये चाय बना ली है। वैसे तो चाय पी चुके थे हम, लेकिन कोई आए गेस्ट आ गए थे घर पे, तो उनको चाय पिलाने के लिए सोचा कि चलो एक कप और पी लेते हैं तो थोड़ी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 कप चाय लेके मैं आई और मैंने ये चाय दी है। और मैं अब किचन में गई दाल चढ़ाने, क्योंकि आज मेरा मूड हो रहा है दाल चावली बना लेते हैं। तो दाल चढ़ा के फिर मैं मेरी चाय फिनिश करूँगी जाकर। मैं बहुत ठंडी चाय पीती हूँ, तो दाल के लिए मैंने ये तुअर की दाल निकाल ली और देखा कि सबसे नीचे दबी हुई है वो दाल, तो उसको निकाल के मैं और वॉश करके और दाल चढ़ा दूंगी और फिर मैं मेरी चाय फिनिश करूंगी। और मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है बारिश का, तो बाहर जाके भी देखूंगी कि क्या कपड़े वगैरह कोई सामान तो बाहर ऐसा नहीं है। तो इसमें मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे, तो मेरी चाय ठंडी हो गई थी, फिर मैंने गर्म की फिर पी चाय। और ये किचन में आके मैंने दाल चढ़ा दी। और आपको पता है मैं तुअर की दाल कैसे बनाती हूँ, दो तरह से बनाती हूँ। तो आज मैं अदन की दाल बना रही हूँ और दाल के साथ में चावल के साथ हम ये मिर्ची फ्राई भी बनाएंगे आज। उसके लिए मैंने ये मिर्ची ली हैं, तो आपको बताया था मैंने, ये फार्म से आई हैं खेत से, और मैं इनको थोड़ा बारीक बारीक सा काट के और धनिए में फ्राई करूँगी। ये तो ये मिर्ची मैं इस तरह से काटूँगी कि इसके अंदर पूरा धनिया और नमक जो नींबू हम डालेंगे वो अच्छे से समा जाएगा। और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, मैं यहीं बैठ के सारी सब्जियां वगैरह काटती हूँ, पारे पढ़ती हूँ, और ज़्यादातर सिलाई बुनाई का सबका काम मैं यहीं बैठ कर करती हूँ। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है पूरे घर की। तो ये मिर्चियाँ मैंने काट ली हैं, शुरू कर दिया है काटना, और दाल चढ़ा दी है मैंने। चावल बनाने हैं और फिर इस सब टाइम में मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था। और ये देखिए आप मिर्ची में किस तरह से काटती हूँ, ये इसमें ये देखिए आप, थोड़ी सी मैं इसे तिरछी तिरछी सी काटती हूँ, तो उससे क्या होता है कि अंदर से भी अच्छे से इसमें मसाला चला जाता है और होल्ड करके रखता है ये धनिए को और उसको, ये ऐसा ऐसा पीस, तो वो अच्छी टेस्टी लगती है। और एक पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी और उसमें ज़ीरा डाल दूँगी थोड़ा सा, और फिर ये मिर्ची डाल के फ्राई करूँगी। ये देखिए आप, ये मतलब इसको फ्रिज में आप महफूज रख सकते हैं 15 दिन तक भी, ये ख़राब नहीं होती हैं। और बाटी के साथ, दाल के साथ, आप जैसे चाहें वैसे इसको इंजॉय करें, पराठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। सफ़र में कहीं जाएं वहाँ ले जाएं, बहुत अच्छी लगती है ये। अक्सर घर में मैं तल के रखती हूँ इसको, तो ये इस तरह से इसको तेल में थोड़ा उलट पुलट करके और इसमें फिर मैं धनिया और नमक डाल दूंगी, धनिया मसाले का पिसा हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है इसमें, उसका नमक डाल दूंगी। उसके बाद में मैं इसे फटाफट वो कर लूँगी। मौसम इतना ख़राब हो रहा है, आंधी तूफान वाला, और आवाज़ें आ रही हैं बाहर, बहुत आवाज़ें हैं इसकी, आंधी की, हवाओं की, सामान इधर से उधर लोगों के गिर रहे हैं, दरवाज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बार बार भी मैं देखने जा रही हूँ कि क्या हो रहा है बाहर आज। तो ऐसा मौसम हो रहा है, पता नहीं ये कब तक रहेगा। और गर्मी भी रहती है दिन भर और फिर शाम होती है ऐसी ठंडी हवाएं और ये सब होती हैं, बूंदाबांदी भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो मैंने ये अब इसमें धनिया डाल दिया है, धनिया करीब मैं 6 चम्मच के करीब डालूंगी, 4 तो मैंने अभी डाल दिया, 4-6 चम्मच करीब डाल दूंगी इसमें, और 5 चम्मच तो मैंने अभी डाल दिया और 2 चम्मच मैं बाद में भी ऐड करूंगी, तो करीब 7 चम्मच इसमें मैंने धनिया ऐड करा है, तब जाके ये अच्छे से इस पे आसपास धनिया जो है कोट होता है, और बहुत अच्छी लगती है मिर्ची। एक बार आप तलना, और शायद तलते भी हों तो रख रख सकते हैं इसे हम। और इस मिर्चियों में रहता है कि फटाफट बन जाती हैं, और बाटी दाल इनके साथ अच्छी लगती हैं। और हम लोगों की आदत होती है कि दस्तरखान पे हम 1-2 चीज़ें लेके ही बैठते हैं, खाना खाने जब बैठते हैं तो फिर 1-2 चीज़ें, चटनी, अचार, दही, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है ये। मैंने कम से कम 7 चम्मच ये फुल भर के और इसमें डाल दी है, और मैं इसको अच्छे से बस ये थोड़ा सा आप कपड़ा बांध के रखें आपके मुंह पे, क्योंकि इसमें से जो धस निकलती है ना वो बहुत ज़्यादा
वो आती है खांसी, इससे पूरे घर में हो जाती है, इसलिए मैं चिमनी ऑन की हुई है मैंने, और मुंह पे भी कवर किया हुआ है, और मैं इसको बनाऊंगी बस ये, जब तक इसकी ये इसमें ऑयल ऑयल हो जाता है ना धनिया में, उसके बाद नहीं आती है। और इसी वक्त पे मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर दूंगी। तो नींबू मैंने करीब इसमें तीन तीन ये स्कूप डाले हैं छोटे से, यानी कि करीब 1.5 चम्मच के करीब होगा ये। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नींबू डाल दिया था और बहुत अच्छा रहा था ये। आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं, तो टाटरी भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू डाल दिया मैंने अभी। नींबू की खुशबू भी अच्छी आती है इसमें अभी। तो बस ये हो गई हमारी, 2-4 मिनट हम इसको, 2 मिनट तक हम इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद में फिर हम इसे उलट पुलट करके, और बस फिर आप जिस चीज़ में आपको इसको रखनी है उसमें रख कर, आप चाहें तो एयरटाइट डब्बे में, या चाहें तो ऐसे ही बाउल में ढककर फ्रिज में स्टोर कर लें, और जब भी आपको खाना है निकालें और खाएं, अच्छी लगती है ये बहुत। तो ये बस हो गई हमारी डन, ये मैंने ऑफ कर दी फ्लेम, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये धनिया वाली मिर्ची ज़बरदस्त चटपटी तैयार है हमारी, और मैं इतनी ज़्यादा बनाती हूँ, और ये मेरे कम से कम 8 8 दिन तक चल जाती है, क्योंकि अभी ये ज़्यादातर ये खाना इनका पेक भी रात जाता है, कभी कभी ये गांव चले जाते हैं जल्दी ही, तो मैं उसमें भी इनके एक रख देती हूँ, तो पराठों के कभी पूड़ी के साथ, तो ये वहाँ भी इनके आराम से अच्छा लगता है ना, वहाँ पर अगर खाते हैं ना ये एक दो सब्जी के साथ, एक दो चीज़ें ऐसी डाल दो तो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने ये ज़्यादा बनाई, और बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती हैं, क्योंकि आजकल मिर्ची आई ऐसी रही हैं कि वो तीखी नहीं होती हैं। और फिर मैंने इधर ये सलाद भी बना लिया, सलाद में मैंने टमाटो, धनिया, प्याज और थोड़ी सी मेथी पड़ी हुई थी तो मेथी भी डाल दी मैंने। अब मैं इसमें ज़रा सा 1 2 पिंच काला नमक डाल दूंगी और नींबू डाल दूंगी ऊपर से, और बस फिर मैं इसको हाथ से मेश करके, कचुम्बर सलाद बोलते हैं हम इसको, चावल के साथ खाते हैं। और मैंने इधर राइस भी बना लिए, और दाल डन हो ही गई थी हमारी, और अब हम जल्दी से खाना खा लेंगे, वो टाइम भी हो गया हमारा, ये टाइम हम खाना खा लेते हैं 8 साढ़े 8 बजे। तो ये देखिए, और आज तो कहीं गए भी नहीं थे, तो आप भी कहीं नहीं गए थे, आज घर पे ही थे सारा दिन, तो भूख भी कह रहे थे कि भूख नहीं लग रही है, आज कहीं गए नहीं तो खाना हजम नहीं हुआ, तो हल्का सा ही बना लो, वरना मैं ये राइस कम खाते हैं, और मैं इनके लिए अक्सर रोटियां ही बनाती हूँ, लेकिन आज इन्होंने कहा कि मुझे अमरस चावल खाना है, तो मैंने आमरस भी बना लिया, इनका फीका है, बेटे का मीठा है, और अब ये दाल से खाएंगे पहले, तो फिर ये आमरस से भी खाएंगे, क्योंकि इनको पसंद है आमरस से खाना। तो ये हो गया हमारा डिनर, और आपको अगर मेरा ये रूटीन अच्छा लगा है, शाम का लंच तक का, लंच शाम की चाय से डिनर तक का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल है। तो देखिए, ये दो तरह के अचार हैं, मैं इनको डेली लाती हूँ और ऐसे कैसे ही ले जाती हूँ, इनको कोई हाथ भी नहीं लगाता है। अब ले आए थे बाजार से, तो क्या करें, इसको खाना ही पड़ेगा, लेकिन बेटा कभी कभी खा लेता है, और वहां से निमट के थोड़ी देर में बैठ गई थी, और फिर आई, अब किचन में सारे बर्तन समेटे, और ये बर्तन धो के रख रही हूँ मैं अब, और करीब 9:30 10 का वक्त हो रहा है अभी, और बस अब इसके बाद में थोड़ी देर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे और सो जाएंगे, बस यही दिन ढल रहे हैं आजकल इस तरह से ही। तो ये बर्तन धुल चुके हैं, मेरी किचन भी साफ कर ली थी मैंने, और इसी बीच फोन आ गया था मेरी बेटी का, तो मैं उससे बात करने चली गई थी फोन पे, तो बस हो गया हमारा आज का दिन खत्म, अल्लाह कल की सुबह दिखाया हमें, तो फिर मिलेंगे आपसे, और आपके साथ फिर शेयर करेंगे कि आगे क्या हो रहा है। अब सुन रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, तो मम्मी के यहाँ भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह उन बेटी से और सबसे मिलाऊंगी आपको। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।